वेलकम बैक। आई एम वो धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट पढ़ा दीजिए, सर सिंटेक्स पढ़ा दीजिए। बेसिकली बात करूँ बच्चे आपके साथ, तो एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को हम सिंटेक्स भी कहते हैं, इसी को हम सिंटेक्स भी कहते हैं। बेसिकली मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जो टॉपिक है, रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये जो सिंटेक्स है क्या चीज, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली मैं बात करूं आपसे तो आप कह सकते हो कि सिंटेक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच, पाए लिखो सीधा लिखाई, जब भी मेरे वीडियो देखो देखो मत, सीधा पढ़ना शुरू करो। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, एक एक चीज को लिखो समझ और एक एक चीज जानने का प्रयास करो। सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। यहां पर बात कर बच्चे कि सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब। यहां पे आर्ट लिखा हुआ है, इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब, यानी किसी भी वर्ब को करेक्ट यूज करना ही सिंटैक्स कहलाता है। बेसिकली मैं बात करूं सिंटैक्स का, इसी सिंटैक्स को हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसी सिंटैक्स को एग्रीमेंट कहते हैं। किसका एग्रीमेंट? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। तो इस जो एग्रीमेंट की बात करें तो आप जब करते हो तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, तो उस ब्रांच को कहते हैं, उस टॉपिक को कहते हैं जिसके अंतर्गत आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब, यानी वर्ब का आप करेक्ट यूज करना सीखते हो। आप इसको आराम से लिखो, इस वीडियो को आराम से पॉज करके धीरे धीरे सीखने का प्रयास करो। इसका जो पहला कॉन्सेप्ट कहता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, राइट। यदि आपका सब्जेक्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, क्लियर। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल कि द टीचर, द टीचर इज टीचिंग। अब देखो टीचर तुम्हारा क्या है, सिंगुलर, तो बोलो इज क्या लिया, सिंगुलर। एग्जाम्पल लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल लिया, तो पहला समझ में आ गया द टीचर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहीं पे हमने बात करा सब्जेक्ट प्लूरल, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स तुम्हारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लिया बेटा, वर्ब भी तुम्हारा क्या है प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। किताब में इसी को हम लोग SSPP फॉर्मूला कहते हैं। आपने कहा कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दीजिए, देख लो टॉपिक, आप टॉपिक सीख लो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, बस आप कॉपी कलम लेकर के बैठो। कॉन्सेप्ट टू कहता है बेटा, वो समझिएगा उसे, कि जब किसी भी दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है ये हो जाता है प्लूरल, राइट। जब दो किसी नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल। जैसे हमने कहा द बॉय एंड द गर्ल, अब बताओ द बॉय एक हो गया, द गर्ल एक हो गया, दोनों में कितने हो गए, दो, दो में क्या हो गए प्लूरल। तो दो नाउन को हमने किया जोड़ा एंड से, तो वर्ब क्या होना चाहिए प्लूरल। तो द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, क्लियर। तो जितने बार कहते हैं द बॉय एंड द गर्ल है ना, अब तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग, राम एंड श्याम हैव कम, क्लियर। ऐसे प्रयोग कर सकते हो आप, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो कि जब कोई दो नाउन को, एन का मतलब नाउन, जब कोई दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो बताओ बेटा आने वाला वर्ब क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, सिंगुलर।
क्या था? प्लूरल। ओके ओके, मान लिया तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। बट यहां मैं क्या कर दे रहा हूं? सिंगुलर। अग्रीमेंट, समझौता, सब्जेक्ट वर्ब का समझौता कर रहा हूं मैं। अब भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो समझौता कहां हुआ? मुझे समझौता चाहिए ना। तो समझौता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो यहां पे वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहां पे दो नाउन को एंड से जोड़ा, होना चाहिए प्लूरल बट हो रहा है सिंगुलर। देखते हैं करके, ये दोनों नाउन का रिलेशन एक होना चाहिए, जिसे कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, अगर दोनों पार्ट एंड पार्सल हो तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है सर? हिंदी होता है इसका अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेटेड होगा। जैसे सर एग्जांपल दिखाता हूं, तो पार्ट एंड पार्सल हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको मिटा दे रहा हूं। अब एग्जांपल चेक करते हैं। हमने एग्जांपल दिया दो तरह से, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। एग्जांपल दिया हमने ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यहां पे खींच दिया ऐसे। अब ब्रेड एंड बटर आर और इज, ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। अब यहां ध्यान दो कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, अब यहां देखो ब्रेड एंड बटर दो नाउन को एंड से जोड़ा, राइट। अब यहां देखो ब्रेकफास्ट नाश्ता है, ये तो नहीं ना कि ब्रेड खा लिया और बाद में बटर घोला पी गया और उछलने लगे और मिला लिया दोनों को, ऐसा किया क्या? नहीं ना, ब्रेड में बटर क्या किया? लगाया और लगा के गर्म किया तब खाया। तो इसका मतलब कि दोनों दोनों क्या है? पार्ट एंड पार्सल है, अभिन्न अंग है। तो क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, ये राइट हो गया। अगर यहां पे मैं इज के स्थान पे आर लगा देता तो गलत हो जाता, इसलिए क्या होना चाहिए यहां? इज। क्लियर? तो दोनों क्या बन गए? अभिनंग। तो नीचे के लिए क्या हो गया? अभिनंग। ऊपर देखो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड। अब जैसे मान लो ये दुकान है, अब इस दुकान में यहां रखा ब्रेड, यहां रखा बटर, एक कस्टमर आया, दुकानदार से मांगा कि भैया चार ब्रेड दो या ब्रेड दो, इसने सारा ब्रेड दे दिया, इसको बोला बटर दो, ब्रेड दे, बटर दे दिया दूसरे को। अब बोलो यहां दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं ना, दुकानदार अलग, कस्टमर अलग, इसको क्या मतलब? तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, सोल्ड, बिक गया। तो बिक गया तो प्लूरल ना, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है बेटा, रट्टा नहीं मारना, अंग्रेजी है खेलना है। तो ब्रेड एंड बटर बोलो आर होगा कि नहीं, यहीं पे ब्रेड इज होगा कि नहीं, तो इस रूल को फॉलो करना है। सिंगुलर तब होगा जब यहां पार्ट एंड पास अभिन्न अंग होगा। जैसे सर अब लो लो हम लोग बोलते हैं राइस एंड करी, राइस चावल एंड करी, करी चावल खा लो, करी चावल, तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, तो राइस एंड करी इज होगा क्योंकि डिश है आपका, तो राइस एंड करी। आप बोल सकते हो हॉर्स एंड कैरियस, तांगा घोड़ा गाड़ी, चल बसंती, तो तांगा घोड़ा गाड़ी, तो बोलते हो स्लो एंड स्टडी। अब बताओ तुम स्लो एंड स्टडी विन द रेस कि विंस द रेस? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि विन हो जाएगा प्लूरल, तो स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर? क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और खुशियां साथ आती है ना, तो क्राउन एंड ग्लोरी कम्स टूगेदर। क्लियर? तो जितने मर्जी प्रयोग करो, क्राउन एंड ग्लोरी, हॉर्स एंड कैरियस, हैमर एंड सिक्कल, छेनी हथौड़ी, छेनी हथौड़ा, क्या दोनों साथ आया तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। क्लियर? तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, तो एज एंड एक्सपीरियंस इज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट दो नाउन हैं के बावजूद सिंगुलर हो सकता है कब? जब दोनों अभिन्न अंग हो तब। ये प्लूरल भी हो सकता है कब? जो दोनों अलग अलग हो तब। यहां तक बात समझ आ रहा है बच्चे? इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके हमने आपको एक एक पार्ट बना के मैं आपको दे रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे कंसेप्ट देखें और दो कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करें। यहां पर हम बात करें एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट का थर्ड कॉन्सेप्ट, यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप जानने का प्रयास करना। हमने क्वेश्चन दिया ईच बॉय
एंड ईच गर्ल इज आर गोइंग देयर। ठीक है बच्चे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब दो नाउन को एंड से जोड़ा, अब बोलो आर लगाऊं कि इज लगाऊं, बोलो आर, गलत हो जाएगा, इज सही होगा। क्लियर? और देख लो, यहां बात करूं मैं, ईच ऑफ द ऑफिसर, अब बताऊंगा इसको, इसका एक्सप्लेन करूंगा, ईच ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, दूसरा ईच ऑफ द ऑफिसर्स आर ऑनेस्ट, तीसरा एग्जाम्पल ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। अब यहां ध्यान दो, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, बोलो पहले आप बताओ, ए राइट, ए राइट कौन सा राइट, ये गलत है बेटा, ये भी गलत है, ये सही है, जज कर लिया था आपने, वेरी गुड। अब ध्यान दो, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिर्फ करके देखते हैं इसको, ये सारा स्ट्रक्चर आप याद कर लो, मैं आपको करके देखता हूं, इस सारे एग्जाम्पल को आप लिख लेना बढ़िया से तरीके से, समझिए गौर से। पहला स्ट्रक्चर, ईच हो एवरी हो, नाउन ईच बॉय एंड ईच हो एवरी, यहां पे नो की बात भी कर सकते हो, नो ठीक है, आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर, याद कर लो मेरी बात, ईच एवरी आइदर नाइदर, जहां कहीं भी दिखता हो, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, जहां कहीं भी दिखता हो, आने वाला वर्ब आजीवन होगा सिंगुलर, इसको याद कर लो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज होगा हमेशा नॉट आर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हमेशा इज, नो बॉय एंड नो गर्ल इज गोइंग टू हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर टू देखो, यहां पे हमने यहां पे लिया ईच हो एवरी नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, जब कोई दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो आने वाला वर्ब होता है प्लूरल, लेकिन यहां पे वर्ब तुम्हारा होगा सिंगुलर, ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल इज ना कि आर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, अगर हम बात करें ईच ऑफ द आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान दो, ईच ऑफ द आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द, जब भी ऑफ द के बाद कोई नाउन आए, दुनिया का कोई नाउन ऑफ द के बाद आ रहा हो, आजीवन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा बेटा, हमेशा सिंगुलर, क्योंकि ऑफ द के बाद नाउन क्या होता है प्लूरल, चाहे वो कोई भी हो, ऑल ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, सबके साथ हम वर्ब नाउन क्या लगाएंगे प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगाएंगे हमेशा सिंगुलर। यहां पर देखो, ईच बॉय एंड गर्ल इज गोइंग टू हॉस्पिटल, एवरी बॉय एंड गर्ल is going to hospital, no boy and no girl is going to school। अब यहां पे no boy and no girl and से जुड़ा है के बावजूद भर क्या होगा हमेशा singular, यहां भी दो noun and जुड़ा है के बावजूद भर क्या होगा singular। अब यहां पे of the के बाद noun तो होगा plural, लेकिन भर हो जाएगा singular, और यहां पे दोनों noun क्या हो जाएंगे singular, दो noun क्या हो जाएंगे singular, और भर हमेशा भी singular, यहां पे ध्यान रखने का प्रयास करना, और जब भी याद कर लो each every either neither आजीवन होता है सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेता है सिंगुलर, और यह पार्ट हमने दिया आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, यह पूरा क्लास आपको मैं दूंगा, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करो, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे वीडियो को पूरे भारत में शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके आप जैसे भी हो आप सीखो, मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। घर बैठ के पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करो DSL को, दिल्ली आना चाहते हो तो आपका वेलकम करता हूं, आज ये मेरे पास, फिर से पढ़ते हैं नए सिरे से, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।